नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण प्रकाशन के बहुत ही शानदार करंट अफेयर के बुक के बारे में। दोस्तों हम बात करेंगे, ये एक आपको ईयरली करंट अफेयर का यहाँ बुक देखने को मिल जाएगा वन लाइनर के फॉर्म में, और यहाँ पे 800 MCQ भी आपको देखने को मिलेंगे थ्योरी के साथ साथ। SSC परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है दोस्तों। इसमें आपको दिसंबर 2022 तक अप टू डेटेड देखने को मिलेगा, मतलब इस साल ही ये लॉन्च हुआ है, 2023 का न्यू एडिशन है, ठीक है। SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ यहाँ पे लिखा गया, SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ये आपको ये बुक देखने को मिलेगा, और हर एक करेंट टॉपिक को इस बुक के अंदर कवर किया गया है। शानदार बुक है दोस्तों, आप इस बुक को ले सकते हैं। केवल 60 रुपये MRP है, जिसपे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इनके और भी बुक आते हैं किरण प्रकाशन के, जिनके बारे में हम बात करेंगे अंतिम में। चलिए पहले इस बुक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इस बुक में अगर नंबर ऑफ पेज के बारे में बात करें तो 112 पेज आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए इस बुक के कंटेंट को हम देखें तो इस बुक में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा किरण प्रकाशन SSC परीक्षा वन लाइनर करेंट अफेयर एवं 800 MCQ क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। मैं इसका इंग्लिश वाला एडिशन आपको दिखा देता हूँ। ये इंग्लिश वाला एडिशन है, जिसका अलग से आपको रिव्यू इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं इसका रिव्यू कर दूंगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक आपको मिल जाएगा करंट अफेयर वाला। चलिए कंटेंट के तरफ हम चले तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले 800 MCQ किरण प्रकाशन SSC के सारे एग्जाम को इस बुक में कवर किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं CHSL हो गया, CGL हो गया, MTS हो गया, GD कांस्टेबल हो गया, साइंटिफिक असिस्टेंस हो गया, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर और CPO, जितने भी एग्जाम होते हैं सभी को कवर किया गया है इसमें। अब दोस्तों आप देखेंगे केवल 60 रुपये इस बुक का MRP है, जिसपे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और कंटेंट में आप देखेंगे वन लाइनर करंट अफेयर के क्वेश्चन, 18 महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चन इस बुक में कवर किए गए हैं, ठीक है। मतलब करंट अफेयर आपका छूटेगा ही नहीं। उसके बाद करंट अफेयर MCQ पूरे 18 महीना का कवरेज है, और SSC द्वारा आयोजित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको अंतिम में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो बुक है दोस्तों, मार्केट में जितने भी बुक आ रहे हैं उनसे अलग है, क्योंकि रेलवे में भी SSC के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे एग्जाम में SSC के क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम वाइज इन्होंने क्या किया है, बताया है कि कौन से एग्जाम में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। अब यहाँ दोस्तों आप देखेंगे CHSL स्टेनोग्राफर यहाँ लिखा गया है, CHSL 10+2 लेवल पे जो एग्जाम होता है, और स्टेनोग्राफर का सबसे पहले इन्होंने बता दिया है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, राष्ट्रीय टॉपिक से 2 क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्थान पुरस्कार से 1 क्वेश्चन है, उसके बाद कुल 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। देखिए 2022 में ही 7 क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में ही 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 6 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके सेट में कितना आएगा वो आपको नहीं पता है। मान लीजिए 7 क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ठीक है। और करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब जब 7 क्वेश्चन पूछे गए तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है राष्ट्रीय टॉपिक से पूछा जा रहा है, व्यक्ति स्थान पुरस्कार सम्मान से 2 क्वेश्चन, और उसके बाद खेलकूद से 1 क्वेश्चन। तो कुल मिला के 7 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, आर्थिकी से 1 क्वेश्चन। तो जो इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय घटनाक्रम, व्यक्ति स्थान पुरस्कार ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है जिनको आप कवर कर सकते हैं। और CGL के लिए दोस्तों देखिए CGL में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले जो सेट हुआ है 11/4/2022 को, वहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय से 2 क्वेश्चन, आर्थिकी से 1 क्वेश्चन, खेलकूद से 2 क्वेश्चन, मिसलेनियस से 1 क्वेश्चन। मिसलेनियस नहीं भी करते तो चल जाएगा, क्योंकि हर बार नहीं पूछा जाता है, बट राष्ट्रीय और खेलकूद या व्यक्ति स्थान जो होता है वो सब आप कर सकते हैं। तो 6 से मैक्सिमम 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर के, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक माइंड मैप भी दे दिया है कि आप कैसे तैयार कर सकते हैं करंट अफेयर को। सबसे पहले आपको पूरे 18 महीने का कवरेज आपको देखने को मिल जाएगा वन लाइनर के फॉर्म में, और क्वेश्चन किस तरह से है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया नाम क्या है, तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर किया गया है, ठीक है। इनको आप डेली आप स्टडी कीजिए, 112 पेज है, मुश्किल से 20 पेज एक दिन में पढ़ते हैं तो 5 दिन में कवर कर लीजिएगा। 5 पेज भी पढ़ते हैं ना तो आराम से ये कवर हो जाएगा बुक, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इस बुक को कवर करने में, ठीक है। तो इस बुक को आप कवर कीजिए, बहुत ही शानदार बुक है, और हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, ठीक है। हर एक टॉपिक को इस बुक के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया गया। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम,
उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी, एडिशनल नॉलेज भी दे दिया गया नोट्स बना के, ठीक है, इसी राष्ट्रीय घटनाक्रम में। तो थ्योरी को भी कवर किया गया इस बुक के अंदर। यहाँ दोस्तों देखिएगा भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में सारा कुछ जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बुक दोस्तों बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अब दोस्तों देखिएगा भारत के स्थल सेना अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, सारा कुछ आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। एडिशनल नॉलेज के साथ है, वन लाइनर क्वेश्चन को भी बहुत ही शानदार तरीके से इस बुक के अंदर कवर किया गया है, ठीक है। प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इसरो नए इसरो प्रमुख है S. सोमनाथ, इम्पॉर्टेंट है, उनके बारे में जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम, यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो राष्ट्रीय घटनाक्रम कवर किया गया है 18 महीने का कवर किया गया है, ताकि आपका कुछ छूटे नहीं, क्योंकि SSC के एग्जाम में 18 महीने तक के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। मेमोरी सार्पण नाम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन होता है, वो ये क्या करते हैं अलग से देते हैं, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेमोरी शार्पनर, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यहाँ से शुरू हो रहा है पेज नंबर 34 से, मतलब पेज नंबर 1 से 33 से राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसके बाद 34 से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। यहाँ भी आपको उसी तरह जो ब्रिटेन के नए राष्ट्रपति ऋषि सुनक के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनके बारे में जानना जरूरी है, वो सभी इस बुक के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया गया, ठीक है। कुछ भी कमी इस बुक के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बुक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये बुक आपको लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे मेमोरी शार्पनर के नाम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स आपको पेज नंबर 47 से शुरू होगा, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे एक एक पेज को मैं दिखा रहा हूँ अच्छे तरीके से। मेमोरी शार्पनर आपको हर एक टॉपिक में देखने को मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो कि पूछे जा सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 56 से आपको खेलकूद देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे महिला एशिया T20 का जो विजेता है उसके बारे में जानकारी, 36वां राष्ट्रीय खेल मेडल टैली आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन जीता है। तो सर्विसेस सेवा, ये 61 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम 2022 मेडल टैली, विंबलडन ओपन 2022 अलग से आपको दे दिया गया है, कि ताकि आसानी से आप याद कर सकें। उसके बाद आप देखेंगे खेलो यूथ गेम्स मेडल टैली, IPL पुरस्कार 2022 से सूची, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। थॉमस कप पुरस्कार सम्मान, उसके बाद आप दोस्तों देखेंगे वीरता पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरस्वती सम्मान पुरस्कार, व्यास सम्मान। तो हर एक के टॉपिक को कवर किया गया है, साथ में वन लाइनर क्वेश्चन को भी कवर किया गया है। और यहाँ पे जब दोस्तों देखेंगे करंट अफेयर MCQ, तो ये 18 महीने के पूरे MCQ आपको 800 MCQ देखने को मिलेंगे। इससे बाहर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने इतने को कवर कर लिया तो आपका आराम से SSC के एग्जाम में आप करंट अफेयर को कवर कर सकते हो। और इस बार आप लोगों को पता है कि MTS के एग्जाम के लिए GK GS को इम्पोर्टेंट रखा गया है, और इस बार सिलेक्शन में करेंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ देखिए 140 क्वेश्चन राष्ट्रीय घटनाक्रम सबसे पहले दिया गया है, यहाँ भी टॉपिक वाइज आपको MCQ देखने को मिलेगा और उसका आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा राष्ट्रीय घटनाक्रम का। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के मैं बता दूँ कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। उसके बाद आर्थिकी हो गया, आर्थिकी में आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आर्थिकी में 125 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा आर्थिकी में, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति स्थान पुरस्कार सम्मान, यहाँ से भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे जब देखेंगे आप दोस्तों तो यहाँ पे आपको टोटल काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 140 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आंसर की आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे साइंस और टेक आप देखेंगे, तो साइंस और टेक के भी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे 63 क्वेश्चन साथ में आंसर की आपको देखने को मिलेगा। खेल कूद में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 100 क्वेश्चन, और उसके बाद मिसलेनियस आपको सबसे अंतिम है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आप दीजिएगा 16 नवंबर 17
नवंबर, 19 नवंबर, 18 नवंबर। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मिसलेनियस के, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में देखने को मिल जाएगा एसएससी द्वारा जो भी एग्जाम हुआ है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, सभी टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनका एक अलग से आपको कलेक्शन देखने को मिल जाएगा, टॉपिक वाइज राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, इस तरह से आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल यहाँ पे बात करें तो 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एसएससी के, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है, साथ में आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। और बाद में अगर हम देखें कुछ और भी बुक आते हैं किरण प्रकाशन के, उनके बारे में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, राजव्यवस्था, ये सभी एनसीईआरटी पर आधारित है। और इसमें वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक के थ्योरी को भी कवर किया गया। खान सर का ये बेस्ट बुक है, बहुत ही ज़्यादा सेलिंग होता है। और एमआरपी देखिए केवल कितना कम है। उसके बाद देखिएगा साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साथ में न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है तो उनके लिए भी बुक आता है, बहुत ही सस्ता सस्ता ये बुक है। उसके बाद अगर सार संग्रह लेना है, जीके का बुक लेना है, तो सभी एग्जाम के लिए अलग अलग जीके का भी बुक आता है, रेलवे एसएससी दोनों के लिए। इसके बाद अगर आपको जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो जीडी कांस्टेबल का भी प्रीवियस ईयर जो बुक है टीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन वो भी लॉन्च कर दिया है ये किरण प्रकाशन वालों ने, तो आप चाहे तो इन्हें भी ले सकते हैं। कांस्टेबल, राइफलमैन, मॉक टेस्ट भी चाहिए तो ले सकते हैं। हिंदी का बुक चाहिए तो हिंदी का ये बुक ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हिंदी के लिए। मानचित्र का ये भरत लाल का ये बुक होता है, बहुत ही ज़्यादा शानदार बुक है दोस्तों। मैप के थ्रू आपको पूरा ज्योग्राफी कवर किया गया, हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को बताया गया, तो आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है। कंप्यूटर चाहिए तो आप ले सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज, एसएससी के लिए स्पेशली कंप्यूटर नॉलेज का इन्होंने बुक लॉन्च किया है 106 सेट के साथ, ठीक है। और भी बुक है इनके, जैसे ये अभिनय शर्मा सर का मैथ्स का बुक है, इंग्लिश का बुक देख सकते हैं, विपिन सिन्हा सर का, अभिषेक सर का ये रीजनिंग का बुक है, ये तीनों बुक सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप स्पेशली एसएससी की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, सामान्य अध्ययन हो गया, मैथ्स हो गया, यहाँ पर टीसीएस को शामिल किया गया है, मतलब इस बुक में आपको सारे एग्जाम कवर किया गया है, जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं। और एग्जाम वाइज चाहिए तो एग्जाम वाइज भी ये निकालते हैं, जैसे सीएसएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सभी के टीसीएस के पीवाई की ये निकालते हैं, तो इन्हें भी आप ले सकते हैं बुक दोस्तों। इनके बहुत ही ज़्यादा शानदार आ रहे हैं अभी मार्केट में, आप इन्हें परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मन में अभी भी दोस्तों कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। इस बुक का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप इस बुक को परचेस करते हैं। थैंक यू, आपने वीडियो अंत तक देखा।